हेलो, हेलो अंकिल कौन जी, नमस्ते। कौन? हेलो, एक सवा दो हेलो, मिनट का टाइम मिल जाएगा आपसे? सवा 2 मिनट का? ये क्या हिसाब है भाई? मैं अक्सर लोग 2 मिनट बोल के ज्यादा बात करते हैं, मैं सवा दो बोल के कम से कम 2 मिनट तो करूंगा, है ना। मैं कह रहा था भैया, हेलो। मैं जानता नहीं हूँ तेरे को, नहीं, क्योंकि मैं मैं जान तेरे नहीं को रहा था। देखो, अब बस थोड़े टाइम दे दो, मैं समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ, अब थोड़े टाइम दे दो। चल जब भी ठीक है। हाँ बरसात होती है जाम लग जाता है, नहीं? हाँ लग तो जाता है। अरे क्यों लगता है, किसकी वजह से लगता है? पानी वानी भर जाता पानी है के इसलिए लग अलावा जाता है, बताइए ना। पानी तो ठीक है, और किसकी वजह से लगता है? और ये गाड़ी वाड़ी की वजह से गाड़ी लग का, जाता है। गाड़ी अरे कौन लेके जाता है? जिसके पास है वो ले जाता है। नहीं मतलब, अरे अच्छा सर, मैं समझ गया। आप कह रहे हैं जो बाहर निकलता है जाम, उसकी वजह से लगता है, हाँ, और राइट क्या, उसी की ना? वजह से यही लगता है। प्रॉब्लम है भाई साहब, यही प्रॉब्लम है। आपको लगता है क्या जो बाहर प्रॉब्लम? निकलता है जाम, उसकी वजह से लगता है। मेरे हिसाब से जो घर में रहता है जाम, उसकी वजह से लगता है। मैं प्रूफ कर सकता हूँ, इफ यू अलाउ मी टू डू सो। मतलब तो कह रहा है जो घर में रहता है उसके वजह से जाम आप लगता मेरे लॉजिक पे हंस रहे हैं या मेरी इंग्लिश पे? भाई मैं सुन, बताता ये हूँ, मैं क्या? प्रूफ करता हूँ, सुनो। अगर सपोज हाँ आप घर में हैं, क्योंकि बारिश हुई है, आप घर में, मौसम खुशनुमा है, ठीक आपने है, छुट्टी मार दी, मार ली। छुट्टी मार दी, सोफे पे बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, मौसम सुहाना है, बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है या झमाझम बरसात हो रही है, आपने पकौड़े बनवाए, फिर हाँ अचानक आपको ठीक याद आया कि आपके कुछ दोस्त भी हैं, उनको भी फोन लगाना चाहिए और उनको भी बोलना चाहिए कि भैया ऑफिस मत जा, है। राइट? फिर आपने उनको भी ऑफिस से छुट्टी मारने के लिए मना लिया, फिर उनको अपने घर बुला लिया, और धीरे धीरे शाम आ गई, शाम ढलते ढलते रात होने को है और मौसम और सुहाना हो गया है, पूरे दिन छुट्टी तो थी आपकी, तब जाके आपने फ्रिज खोला, हाँ हेलो। हाँ फ्रिज खोला। उसके बाद ओपनर मंगाया, थोड़ी अच्छा सी बर्फ निकाली, 2 ठो गिलास रखा, उसके बाद और मौसम बना दिया। मौसम नहीं, फिर उसके बाद हमने गिलास में क्या जाम लगा दिया? लगा दिया। अरे शानदार शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बताइए आप, तो किसने जाम लगाया, बताइए, जो घर में बैठा है कि नहीं? बैठे वाले ने लगाया। भाई साहब बहुत शानदार। तो हम बेकार में खामखा उस पे बोलते हैं जो बाहर, गाड़ी गाड़ी बाहर जाने वाले थोड़ी जाम लगा सकता है। लेकिन एक बात अच्छा रहा भाई, आपने कुछ मेरे को चीची नहीं बोला, बड़ा मजा आया। हेलो, साले ने आप बाजे बोल बाबा, 93.5 रेड एफएम। कभी कभी गलती से कुछ अच्छे लोग मिलते हैं जो चीची नहीं बोलते हैं, बजाते रहे बउआ बोलने। ओके बाय अंकिल। हेलो। हेलो अंकिल हाँ जी, कौन? जी, नमस्ते। फिलहाल नमस्ते, कहाँ तो मुंह से, आप कहाँ से? से? अरे कहाँ से बोल रहे हैं ये तो बताओ। जी बउआ बोल रहे, मैं सब बता दूंगा। मैं कह रहा था, हाँ क्या बात है, बता क्या हाँ? बात है, मैं कह बताओ। रहा था कि जो मुहावरे हैं हाँ ना, मुहावरे, मुहावरे बड़े कौन से? बड़े नहीं मुहावरे, अच्छा मुहावरे। हाँ हाँ बोल, हाँ बता क्या बात है मुहावरे से। शराब सारे मुहावरे ना शराब से जुड़े होते हैं से? शराब पीनी है तुम्हें? ना। भाई साहब क्या बात कर दी, क्या बात कर दी आपने। बोलो बोलो, आगे क्या बोलना मैं बताओ। कह रहा हूँ शराब से मुहावरे का कनेक्शन होता है, ये मैं साबित करना चाह रहा था। कई लोगों को फोन लगाया, कुछ लोग अच्छा होते हैं कैसे बड़े सर? एटीट्यूड दिखाते हैं, पर कुछ आप जैसे होते हैं जो फोन उठा के एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो बात कर लेते हैं। भाई साहब हाँ, बता क्या बात करनी है इसके बारे शराब में, का मुंह बता। जैसे देखिए, ठन ठन गोपाल होना, अच्छा पीने के लिए पैसा कम होना, अच्छा छाती पर सांप लौटना, बिना जानकारी ठेका बंद हो जाना, अच्छा अंगारों पे पैर रखना यानी दारू पीकर रात को घर पहुंच जाना, अच्छा कलेजा ठंडा होना, एक पैग हाँ गले के नीचे उतर जाना, अच्छा फिर फिर दम में दम आना यानी पीने के साथ अच्छा काजू और नमकीन मिल जाना, बहुत बढ़िया, आकाश से और बता। तारे तोड़ के लाना यानी ठेके की लाइन में पहले स्थान पे खड़े होना, बहुत बढ़िया, और हाथ बता। पांव फूलना यानी समय पर दारू न मिलना। साले साले तेरे को मैं मिला है सुबह सुबह दारू की बात करने दीदी के बता, मैं खाली है?
साले एक मेरी बात सुन तू, एक सुबह सुबह दारू की बात करनी हाथ बात नहीं आज तेरे हाथ साफ करना यानी दूसरे का पैग छुप के पी जाना। हाथ साफ कर दूंगा तेरा, हाथ साफ करूंगा तेरे बोतल ठोक के, तेरी सारी दारू तेरे अंदर ठोक नहीं पता लगेगी, समझ गए? ऊंट के मुंह में जीरा यानी थोड़ा दारू मिलना, तेरे मुंह में दारू की बोतल ठोक के ना तेरे को डाल दूंगा तेरे अंदर, गले में तिल का ताड़ बनाना यानी पीकर उपदेश देना, तेरा ताड़ ऐसा बना दूंगा दारू डाल दूंगा लाके, है समझ रहा? सुबह सुबह तेरे को कोई काम नहीं है दारू की बात करने के सिवा, है? हेलो नहीं मैं सुन रहा हूँ, मैं सोचा पहले आप बोल लो फिर इसके बाद क्या बोल लूं, बोलने के लिए मूड खराब कर, आंख फड़फड़ाना यानी नशा उतर जाना, बस भाई सब खत्म, तेरी आंख फूट दो, नहीं बस जिंदगी भर कुछ नहीं, मैं आप तो अच्छे इंसान निकले, जब शराब नहीं पीते तो इतना घटिया बात कैसे करते हैं, दारू पीना बहुत सेहत के लिए हानिकारक है, और पीकर गाड़ी चलाना आपके लिए और आपके बगल में जो गाड़ी चला रहे उन दोनों की सेहत के लिए हानिकारक है। रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोल लो, नमस्ते अंकिल। हेलो हेलो जी, हेलो, हमारा समाज लेस हो गया है, लेस समाज के बारे में बाद में, मैं अभी कहीं जल्दी जा रहा हूँ, जल्दी बता, मैं बहुआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते, एक सेकंड रुकिए, आप जल्दी, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए, धीरे चलोगे बार बार मिलोगे, जल्दी चलोगे हरिद्वार में, मैं कह रहा हूँ हमारे समाज लेस हो गया है। लेस मतलब मैं समझा नहीं भाई, जैसे हमारा फोन वायरलेस है, अब हमारा गैस वायरलेस है, ये पता मुझे, मेरी बात सुन, मेरी बात, हमारी गाड़ी जो है वो कीलेस है, हमारा फूड जो है वो फैटलेस है, टायर ट्यूबलेस है, हमारे ड्रेस स्लीवलेस है, यूथ जॉबलेस है, हमारे कुछ नेट करप्ट नेता हैं वो सेमलेस हैं, एटीट्यूड केयरलेस है, रिलेशनशिप मीनिंगलेस है, हमारी वाइफ्स जो हैं वो फियरलेस हैं, भगवान करे तू गलेस रहे। आप तो सेमलेस निकले, इतना गंदा बोल रहे हैं आप, सेंसलेस आदमी, हमारी मेरा चाटा बड़ा लेस है मेरे साथ, चाटा एक से हमारी जो इकोनॉमी है वो कैशलेस होने चाह रही है, लेकिन हमारे अरमान एंडलेस हैं, मैं बंदूकों से लेस हूँ, अच्छा, बता रहा हूँ, अच्छा उस गोलियां मारूंगा ऐसे ऐसे छेद में, तेरे को बाल लेस कर दूंगा, इतना मारूंगा गंजा हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ कहना आ रहा है आपको, घटिया आदमी की तरह बात कर रहे हैं आप, और तू बड़ा तमीजदार है, हाँ, तो? मैनरलेस मैं तेरे पीछे कोनी मारूंगा, क्या कह रहे हो, पीछे कोनी मारूंगा बहुत जोर की, पीछे को पीछे मतलब पीठ पे, पीठ पे नहीं उससे नीचे आ जा, अच्छा मतलब कमर पे कोनी मारेंगे, कमर से थोड़ा और नीचे आ, अच्छा जांघ पे कोनी मारेंगे, अब थोड़ा ऊपर चढ़, अच्छा कमर पे कोनी मारेंगे, अब भगवान ने तेरे को नवाजा है या नहीं, सबके पास होती है तेरे पास नहीं है, गलत बोल रहे हो आप, सेमलेस चला जाओ, फोन रखो, मैं बात कर रहा गलत आदमी, 93.5 रेड एफएम, बहुआ बोल रहा हूँ, आप बजाते रहो, हेलो अंकिल, हेलो, जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ, नमस्ते, नहीं बहुआ सिर्फ सैटरडे संडे, बाकी दिन बहुआ, दो मिनट दे दो यार, मैं तेरे को पहचानता कौन है कौन नहीं, दो मिनट, सुनो एक बात बताओ, अगर मैं हेलीकॉप्टर में जा रहा हूँ, हाँ। और मेरे पास 50 ईंटें हैं, हाँ जी, कितनी 50 है ईंटें जिससे घर, हाँ। बनता है, हाँ, जिससे घर बनता है, ना 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 ईंटों से घर नहीं बनता है, और किसी बात मेरे बनता है, यार पागल, ईंटों से मकान बनता है, घर तो इंसान से बनता है, बहुत नहीं नहीं सुनो, अगर मेरे पास 50 ईंटें हैं और मैं उनमें से एक नीचे फेंक दूं तो कितनी बची, सीधी सी बात है 49, वेरी गुड, अब बताओ, हाँ। आप मेरे को तीन वाक्य में बताओ कि हाथी को फ्रिज में कैसे रखेंगे, यार तेरा दिमाग पागल है, ओ सेकंड मैं बताता हूँ, हाँ। फ्रिज खोलो हाथी रखो, फ्रिज बंद कर दो, खत्म, ओ अब बताओ आप हिरन को फ्रिज में कैसे रखोगे, चार वाक्यों में बताओ, मैं फ्रिज खोलूंगा, हाँ जी, जो अंदर पड़ा होगा ना हाथी पड़ा होगा, हाँ जी, उसको निकाल के हिरन रख दूंगा अंदर, फ्रिज बंद कर देंगे। वेरी गुड, किसी पंजाबी है ये, मैं पंजाबी है ना, तेरी तोड़ दूंगा, ना ना एक सेकंड, अगर आज जंगल में शेर का जन्मदिन है, हाँ। तो वहाँ पे सारे जानवर हैं, एक जानवर को छोड़ के बताओ कौन सा, अब तू बता दे भाई कौन सा जानवर है, हिरन यार, हिरन को क्योंकि आपने फ्रिज में, अब मेरी बात सुनो, एक और सुनो, एक सेकंड, अगर एक बूढ़ी औरत है, उसको मगरमच्छ होता है ना क्रोकोडाइल, उससे भरा तालाब पार करना है, कैसे पार करेगी बताओ, अब तू बता कैसे पार करना भाई, अरे आसानी से पार करेगी, क्योंकि मगरमच्छ और सारे जानवर तो शेर के जन्मदिन की पार्टी में गए हैं।
तेरे फिर भी वो बूढ़ी औरत मर गई तो कैसे हो सकता है? वो फिसल की होगी, एक मगरमच्छ पार्टी में ना गई होगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने शुरुआत में आपको बोला था ना, आपने हेलीकॉप्टर से एक ईंट फेंकी थी, वो बुढ़ी के सर पे लग गया होगा। बस करो, अजय बड़ा दिल खुश किता है ऐसी। तू मेरा खून चूस ले, दिल खून चूसिया। हेलो हेलो भैया जी, आवाज आ रही है? हेलो हाँ जी, आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी आवाज आ रही है। मैं बहुआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नव युवक को। हेलो हेलो, एक चर्चा होती है भाई साहब, जहाँ पर आप जैसा एक एक्सपर्ट और बैरागी जी जैसा, सॉरी आप जैसा एक प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसे टंग ऑफ स्लिप हो गया जाता है। हेलो, क्या चर्चा करनी है? चर्चा ये, आप रेडी है या नहीं है? हम एक हेलो तो फिर क्या मतलब, कंफ्यूज लग रहे। देखो, गई भैंस पानी में एक मुहावरा है या नहीं है, बताइए। गई रे गई भैंस पानी में, रामा रामा भरी जवानी में, बहुत जमानत चलता आ रहा है कि नहीं भाई साहब? हाँ होते हैं। क्यों भैंस पानी में गई बैरागी, अपना थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे बैरागी जी? देखिए भैंस जो है भोर से ही अपने कामों में लग जाती है। भाई साहब लाइन पे है, मेरा हाँ इनका क्या मतलब, अभी मतलब एंड में समझेगा भाई साहब। भैंस भोर से अपने कामों में लग जाती है, और उसके बाद वो जो काम करती है उससे काफी वो सफाई चाहती है, क्योंकि स्वच्छता का अभियान इंसान ही नहीं। मैं समझ नहीं पाया, भैंस क्या करती है? गोबर करती है ना भाई साहब, करती होगी शायद, करती होगी, पर इससे मेरा क्या मतलब, अभी पता चलेगा, मतलब पता चलेगा। तो भैंस करती है गोबर, तो जैसी भैंस ने गोबर किया तो वो सोचती है कि स्वच्छता के चलते मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे कहीं और जाना चाहिए। किस चीज के लिए? सफाई के लिए, गोबर धोने के लिए। देखिए इंसान के पास तो धोने के लिए बहुत से आयाम है, जेट है, शार है, कागज है, अखबार है, तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन भैंस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भैंस स्वच्छ भारत के चलते सीधा पानी के अंदर जाती है और साफ हो जाती है। ये लोग, ये तुम तो हो गए। नहीं नहीं, भैंस पानी में सिर्फ स्वच्छता अभियान को जिंदा रखने के लिए। आप गलत बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल सकते। और काम नहीं है क्या? तुम ना बात कर रहे हैं आप गलत, दिमाग की। थैंक यू सो मच। इनका नाम ब्रुंटो चोला हमारे साथ। ब्रुंटो चोला, ब्रुंटो चोला, तेरा नाम होगा ब्रुंटो चोला, ब्रुंटो चोला। अरे चोला, अरे चोला, अरे ब्रुंटो चोला, ब्रुंटो चोला, ब्रुंटो चोला। इस बार की चिट्ठी जो है किंटारापुर से आई है। वहाँ पर जामुन की गुठली पीसकर मधुमेह के लिए औषधि बना के जुलमी साडू को कासा कटांका भेजने वाली टिन्यो गुलेरिया कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। सो मेनी डिफरेंट नेम्स, ओनली यू कैन अटर टिन्यो, बट एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू टिन्यो, रेड एफएम बजाते रहो जी। ब्रुंटो। हेलो हेलो, हाँ जी, सोने में डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने आपको कहीं? थोड़ा बहुत तो किया, लेकिन बता दो कौन बोल रहे हो? ऐसे पॉजिटिव लोग बड़े पसंद है। मैं बहुआ बोल रहा हूँ कि नमस्ते, जान रहे हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर पहली पहली बार कोई लोगों में बातचीत होती है, पर अगर बात किसी सामाजिक मुद्दे के लिए हो तो की जा सकती है, राइट? हाँ, पॉइंट पे आके जल्दी बोल। पॉइंट पे आके बोल रहा था कि टमाटर दाम बढ़ रहे हैं, लोग हो हल्ला मचा रहे हैं। टमाटो बढ़ने का पॉजिटिव भी है। कैसे? कई नेता लोग हैं जो बहुत गंदा गंदा भाषण देते थे, आजकल खुलेआम भाषण दे रहे हैं। क्यों? कोई टमाटर ही नहीं मार रहा सर। अच्छा, मारे? नहीं नहीं मारेगा ना, क्योंकि भाव बढ़े हैं, कैसे कोई मारेगा, खूब भाषण दे रहे हैं। अब सीसीटीवी लग जाएंगे शहर में, क्यों? महंगा है टमाटर, महंगा है, चोरी ना हो जाए, सेफ्टी की ना हो जाए। पॉइंट है कि नहीं? हाँ जी, पॉइंट तो है। हमारे एक दूर के चचा जी हैं, उनको लो बीपी है। लो बीपी है? वो टमाटर के ठेले पे गए, दाम पूछा, अचानक तो से बीपी अचानक से बीपी बढ़ गया। हाँ, दाम पूछे जिसको ऊपर भेजना उसके रेट बता दो। टमाटर नहीं नहीं, ऊपर नहीं, लो बीपी का ही बताओ, हाई बीपी वाला तो बाई बीपी हो जाएगा। तो बाई बीपी ठीक है ना। अच्छा, जीएसटी में टी का मतलब टमाटो है, आपको पता है? तब... तेरी। और तो और भाई, मतलब पता है जी का मतलब? तेरे नींद में तो हो आप, लेकिन होश में भी हो है? अरे होश तो हमने आज तक कोई नहीं, तू अपनी बात बता। इस बार रक्षाबंधन में दीदी लोग को राखी पे टमाटर ही गिफ्ट दिया जाएगा। शायद ये पसंद नहीं है आपको? नहीं, बिल्कुल बोर था। अच्छा, गाय टमाटर खा रही थी एक ठेले पे से। अच्छा, मेरे को देख के रहा नहीं गया, फिर मैं रुक गया। मैंने बोला गाय को तो कुछ बोल नहीं सकते और टमाटर को भी ऐसे देख नहीं सकते,
बड़ा परेशान हुआ भाई साहब, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, आप बताओ। तो ठेला उठा के गलत बोल रहे हैं आप, ठेला उठा के वैसे भाग, ऐसे थोड़ी होता है, ठेला कितना बड़ा है। उसको धीरे धीरे है ना, उसको पार्ट पार्ट करके तोड़ तोड़ के गलत नहीं तो तू सही बोल रहा है के टमाटर सुंगा दूंगा सड़े वाले, सो जाएगा फिर से। हेलो हेलो जी, हाँ जी, मैं स्पीकिंग विद मिस्टर त्यागी जी। हाँ जी बोल रहा हूँ। हाँ जी, आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और आई स्पीक इन हिंदी जी? हाँ हाँ, आई कंफर्टेबल इन इंग्लिश आल्सो। आई कंफर्टेबल, तो फिर तो हिंदी बोलना चाहिए मुझे, बोलिए। बोलिए। नमस्ते जी भैया जी, मैं बउआ बोल रहा था, होटल से बात कर रहा था, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है आवाज। आप तीन लोग के साथ आए थे भोजन करने के लिए, हाउ वाज द फूड, कैसा था भोजन, आपको खाना कैसा लगा? हाँ खाना अच्छा था, सबको अच्छा लगा। एक फॉर्म भी भरा था आपने शायद वो मेंबरशिप वाला? हाँ जी भरा है। हेलो, जस्ट दो मिनट अगर मैं उसको क्रॉस चेक करवा लूँ जी भैया। तो पूरा नाम आप लिखते हैं? त्यागी। हाँ बहुत बड़ी। और एज क्या होगी? एज मेरी 27 साल है। सेक्स? सेक्स तो कभी किया नहीं। नहीं नहीं, मेल फीमेल वाला पूछ। क्या मेल तो मेल ही होगा ना। नहीं नहीं, एक बार कंफर्म करना अच्छा होता है। आई गॉट योर पॉइंट, ठीक है। सो मैं पूछ रहा था, आप प्योर वेज हैं जी? हाँ हाँ बिल्कुल प्योर वेज हूँ। तो इसके अलावा कभी नॉन वेज कभी कुछ भी नहीं खाया? नहीं नहीं नहीं, बस मैं एग खा लेता हूँ और वो भी केक में खा लेता हूँ, ऑमलेट में कभी नहीं खाता। वेज प्योर वेज है लेकिन अंडा खाते हैं, लेकिन ऑमलेट हाँ, वाला नहीं, केक में अगर पड़ा हो तो। इसके अलावा कभी और कुछ ट्राई किया है? और मैं करी खा लेता हूँ, चिकन की करी करी खा लेता हूँ, पीसेस नहीं खाता मैं। अरे वाह, मैं नोट कर रहा हूँ भाई साहब। तो हाँ, घर पे बनता है वेजिटेरियन? नहीं घर पे नहीं बनता, क्योंकि घर में सारे वेजिटेरियन है, मैं बाहर खाता हूँ। बाहर खाते हैं तो रेगुलरली खाते हैं? नहीं नहीं नहीं, जब दोस्तों के साथ पीने बैठते हैं तब खाते हैं। तो पीने बैठते हैं तो खाते हैं, प्योर वेज है लेकिन? बिल्कुल हाँ, वो भी जबरदस्ती करते हैं तब खाते हैं। जबरदस्ती दोस्त लोग कर देते हैं पीने के लिए और पीने बैठते हैं तो। तो ये कोई पर्टिकुलर दिन पे खाते हैं या फिर? नहीं बुधवार शुक्रवार और रविवार को खा लेता हूँ। मंगलवार शनिवार नहीं नहीं नहीं, गुरुवार छूटे तक नहीं है ना इन तीन दिन? नहीं नहीं नहीं, तो मैं वही नोट कर चुका हूँ, आप प्योर वेज हैं, अंडा खाते हैं, चिकन नहीं खाते, लेकिन अंडा ऑमलेट वाला नहीं केक वाला खा लेते हैं, लेग पीस नहीं खाते लेकिन तड़ी खा लेते हैं, और ये सब बाहर खाते हैं, जब जबरदस्ती की जाए तब खाते हैं, पीने बैठते हैं तभी खाते हैं, और बुधवार शुक्रवार और रविवार को ही खाते हैं, वरना आप हैं तो एकदम प्योर वेज है ना? हाँ जी हाँ, है ना, ये सही बोला मैंने? हाँ जी। देखिए आजकल बरसात होने वाली है थोड़ा जल्दी, थोड़े पेड़ वगैरह गिरेंगे, बिजली के खंभे गिरेंगे, तो एक सजेशन था मेरा। बोलिए। तो कोई अच्छा सा खंबा देखकर, बिजली की नंगी तारे देखकर चिपक क्यों नहीं जाते भाई साहब? गलत। हेलो, अपने हिसाब से पूरा रूल बना। वेजिटेरियन बोल रहे खुद को? हाँ सर, अंडा खाते है, केक में खाते है, तड़ी। हेलो, खंबे गिरेंगे पता है ना? मैं खंबे 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, अगर आप ऐसी कैटेगरी में आते हैं तो मुस्कुराते रहो। चलो भाई। हेलो हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते। हमारे बड़े बूढ़ों ने, पूर्वजों ने, बड़े बड़े लोगों ने हमें जो जो सिखाया है ना, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, पर कुछ कुछ चीजों में हमें भटकाया है। हेलो। हाँ जी। अरे कौन बोल रहा है? भैया अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप मेरे को नहीं जानते हो, लेकिन जानना जरूरी नहीं है, पहचानना जरूरी है सत्य को। कॉल किया है। हेलो, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन लो, पूर्वजों का बता रहे थे ना मैं, सुन लो मैं एंड में। हेलो, दूध पीने से शरीर का विकास होता है, बोला था नहीं बोला था उनने? अरे बोला था, तो उसमें हम क्या करें? नहीं होता है शरीर का विकास, बताओ। सही बोला था बुजुर्गों ने, जो बोला वो सही बोला। अच्छा शरीर का विकास, तो फिर बिल्ली इतनी बड़ी क्यों रह गई? बिल्ली तो इतना दूध पीती है, बताओ इतनी बड़ी रह गई? एक से मेरी बात, वॉकिंग करने से चर्बी कम होती है, बोला था नहीं बोला था? हाँ बिल्कुल बोला था। हाथी का वजन कम क्यों नहीं हुआ, इतना वॉक करता है वो, बताओ भैया। एक कहावत मेरी बात, कहावत ही बोल रहा हूँ, गलत कहावत बातें करो, कहावत घुड़ी सच्चाई हो जाती है। तैरने से शरीर स्लिम होता है, बोलते नहीं बोलते? हाँ तो होता है वो तो। व्हेल मछली देखा है, ये इतनी मोटी, बताओ। हाँ क्या? अरे मैं बात सुन, रोज उठने से घर में समृद्धि आती है। समृद्धि तो नहीं आती जी, हमारे तो काम वाली आती है। हेलो हेलो, ये तो सही बोला, लेकिन समृद्धि वाला एक पंच मेरे को भी मारना है। बोल समृद्धि, ऐसा बोलते थे नहीं बोलते थे?
बोलते थे। तो अगर ऐसी बात है तो हमारे एक चचा हैं 35 साल से न्यूज़पेपर सुबह बांटते हैं, उनके घर तो कभी BMW नहीं आई समृद्धि जी के। हेलो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। हेलो, तो आप गलत क्यों बोल रहे हैं? हेलो, क्यों ना बोल गलत, ये फोन काहे को मिलाया? बता रहे ना बात पूर्वजों का, घटिया बात की बात है तो पूर्वजों है। गलत लगता है, रख दिया। गलत बोल रहे हैं 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने वो बजाते रहो। ऐसा नहीं कि उनने सब गलत बोले, वो कुछ कुछ तो फंसाया भी था हमको। नमस्ते बहुआ बोल। आवाज कट रही है शायद। हेलो हेलो जी, कालरा जी बात कर रहे हैं? बोलिए, आप ही है ना? हाँ मैं ही हूँ। भाई साहब, आप पीटी उषा जी को जानते हैं? जानता हूँ। नाम सुना है ना? अच्छी तरह। साइना नेहवाल? हाँ जानता हूँ। सानिया मिर्जा? कौन बोल रहे हो आप? हेलो, अरे मैं इन सबको जानता हूँ, तेरे को नहीं जानता। तू कौन? मैं बउआ बोल रहा था। नमस्ते अंकिल, मेरे को आपसे एक मिनट चाहिए था। नहीं भाई, मेरे को बात नहीं करनी। अरे कौन बोल रहा है भाई? साक्षी मलिक को जानते हैं आप? हाँ जानता हूँ। मैरी कॉम को भी जानते हैं? मैरी कॉम को हाँ जानता हूँ। गीता बबीता फोगट का भी नाम सुना होगा आपने? गीता फोगट सुना है, लेकिन तू क्या चाहता है इन सबसे? फोन टकराया कि मैं तेरे कंप्लेंट करूं कहीं? फोन कंप्लेंट का भाई साहब, मेरे को दो मिनट चाहिए था आपसे, आपको मैं यही कह रहा था ना भाई। हेलो भाई साहब, शायद कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क में। अरे क्या भाई साहब, सॉरी आप गलत मत बोलिए, पीवी सिंधु का नाम तो सुना है ना आपने? हाँ सुना है। मिताली राज का नाम सुना है आपने? हाँ भाई सुना है। हरमनप्रीत कौर का नाम सुना है आपने? सुना है भाई सुना है। हैं, पूनम राउत का नाम सुना है आपने? भाई सुना है सुना है। सुरुति कालेडा का नाम सुना है आपने? नहीं सुना इसका भाई। सुना तो है, एक बार क्या बोला? ध्यान से वापस बोलता हूँ, सुरुति कालेडा, ये तो मेरी बेटी का नाम है। वही कह रहा हूँ मैं आपको, नहीं सुना है? ये सुना है, जानते ना? सुना है हाँ। तो कहना क्या जा रहा है, आगे बता। बेटी है आपकी? हाँ बेटी है। और ये सारे जो नाम गिना है वो भी देश की बेटियां ही हैं। इनके बाप ने अगर श्रुति के बाप की तरह यानी तुम्हारी तरह अपनी सोच रखी होती ना भैया, तो आज तो तुम और मैं इसका नाम नहीं जानते, कल को 20 साल बाद भी कोई इसका नाम नहीं जानेगा अगर आपने सोच नहीं बदली तो। हेलो, श्रुति कालरा, क्या समझे भाई साहब? हेलो, इस लिस्ट में उसका नाम कैसे आएगा? हेलो, अब इनसे बात करने के लिए जिन्होंने अपना नंबर दिया था, एक मिनट में रौनक बन के उनसे जरा बात करता हूँ मैं। सो अदिति जी, सुना आपने? जी हाँ बिल्कुल सुना मैंने। और रौनक बहुत बहुत आपका थैंक यू, शायद आप लोगों के समझाने से ही अब मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरी बेटी श्रुति को स्पोर्ट्स में भेजने के लिए राजी हो जाएंगे और शायद सोच पाएंगे कि वो आगे कुछ कर सकते कर पाए। थैंक यू वेरी मच, आपने हमको फोन किया और आपको ये लगा कि बउआ कुछ कर सकता है। ओके थैंक यू, ओके बाय, नाइस टॉकिंग टू यू लेडीज, टेक केयर, नाइस डे। उनको आप उनको फोन करिएगा, उनको बोलो इस लिस्ट में आना चाहिए श्रुति का नाम भी, ठीक है जी? ओके थैंक यू, बाय। हेलो हेलो, कौन? ऐसी दुनिया है ना मेरी, इस दुनिया में मतलब मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। क्या हो गया भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, एग्जाम में फेल हो गया मैं। अबे एग्जाम में फेल होगा, पढ़ाई नहीं की होगी। अरे जब आप पढ़ाई करता कब, मैं समय कब है भाई साहब? हेलो, एक गलत मत बोले, मेरी बात सुनी। अबे तू जानता है कि एक से मेरी बात सुन लो, एक सेकेंड मैं बताता हूँ। पढ़ने का टाइम कैसे नहीं, साल में कितने दिन होते हैं? 365। हाँ, रोज आदमी 8 घंटे तो कम से कम सोता है। हाँ, तो 8 घंटे के हिसाब से 122 दिन हो गए। हाँ, 365 में से 122 गए 243। हाँ, गर्मी की छुट्टी 61 दिन की होती है। हाँ, 182, 243 में से 61 गए 182 दिन बचे। हाँ, अब 52 रविवार आते हैं। हाँ, बचे 182 में से 52 गए 130। आप हो ना लाइन पे? खुद के फोन में भी कैलकुलेटर है। एक सेकेंड, 130 दिन बचे। दीपावली होली 40 दिन की छुट्टी होती कुल मिला के वहाँ का। हाँ, होती है। 130 में से 40 गए 90। अबे तो ये सब तुम मेरे को क्यों बता रहे हो? एक सेकेंड, मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास टाइम कब है पढ़ने का। तूने बोला ना मेरे को, तू एक मिनट सुनो, 130 में से 40 दिन होली दीपावली और अन्य छुट्टियों के गए 90 दिन बचे। कॉलेज फेस्टिवल स्कूल फेस्टिवल 15 दिन का होता है, 75 दिन बचे 90 में से 15 गए। खाने पीने नहाने के 3 घंटे के हिसाब से 46 दिन
75 में से 46 गए 29, रोज एक घंटे दोस्तों के साथ। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। एक घंटे दोस्तों के साथ उसका हुआ 15 दिन, 29 में से 15 गए बच्चे 14, हैं 10 दिन तो हम लोग बीमार रहते ही हैं भाई साहब, डेंगू चिकनगुनिया कुछ तो होता ही है, या पेट में टट्टियाँ लग जाती है वो तो होता ही है। हाँ लगेंगी तेरे टट्टियाँ तो लगेंगी तेरे। टट्टी सुन के कैसा हंस दिए ना आप, गलत बात बोलिए। तो 14 दिन बचे, 14 में से 10 दिन हम बीमार रहते हैं ये बताया, फिर 4 दिन, 4 दिन बचे, 3 दिन तो टीवी देखने में जाते हैं, अब बचा 1 दिन। एक दिन तो साल में बर्थडे भी आता है, आदमी बर्थडे के दिन पढ़ाई करेगा क्या, आप बताओ मेरे को। मैं तेरी मुझे क्यों बता रहे हैं, गलत तेरे पास फोन क्यों लगता है, रख दिया। हेलो, अबे चल मैं रख देता हूँ, तू बहुत ही खाली है ना, तू खाली है और पीली क्या है, पीली पीली साल। रख दे भाई रख दे, ओके बहुत बढ़िया। पढ़ाई कौन करेगा, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बहुआ बोलो, नमस्ते अंकित। हेलो सर, ये आप सो तो नहीं रहे, कौन बोला जी, मैं बहुआ बोलिया भाई, मैं सो रहा हूँ, पहचानता नहीं तेरे को मैं यार। हाँ एक से हेलो भाई साहब, हेलो एक से हेलो, हेलो भाई साहब, सिग्नल में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, फोन कट गया था, कटा था मैंने बोल। सॉरी मैं कह रहा हूँ, जल्दी बोल, धड़ाधड़ लोग पैदा हुए जा रहे हैं, धड़ाधड़ आप नींद मना रहे हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है आज, क्या करूँ मैं बोल, क्या करूँ, मैंने सोचा आपको फोन लगा के एक इम्पोर्टेंट चीज बताऊँ, मैं एक मिनट लगूंगा बस एक मिनट। हाँ बोल। 125 करोड़ सपोज अपना पॉपुलेशन है, उसमें से 25 करोड़ लोग रिटायर्ड हो गए, बचे 100 करोड़, उसमें से 30 करोड़ लोग समझ ले स्कूल में बच्चे हैं, बचे 70 करोड़, अब हैं निकल लिए, नहीं नहीं बोल, 70 में से 35 लोग एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट के, उन 35 में से गए तो बचे 35, उन 35 में से सपोज 5 करोड़ जवान हैं जिन्हें हमारे सलाम है, उनकी क्या ही बात करें, बचे 30 करोड़, सुन तो, फिर इन 30 में से सपोज 10 करोड़ बेरोजगार हैं, बचे 20 करोड़, अब कुछ लोग तो बीमार होंगे ही, 20 में से गए 5, बचे 15 करोड़, आप हैं ना लाइन पे, अरे भाई जल्दी बताया, जल्दी एक सॉरी, हाँ 5 करोड़ बीमार बचे 15 में से 10 करोड़ लोग तो कम से कम आज से छुट्टी पे होंगे, बचे 5 करोड़, उसमें से 4 करोड़ लोग देश से बाहर ट्रेवल कर रहे होंगे सपोज, जल्दी जिनमें से एक हमारे पीएम सर भी हैं, तो बचे 1 करोड़, अब एक रिसर्च के हिसाब से भाई साहब 99,99,998 लोग, हेलो हाँ बोल, जेल में हैं। हाँ तो जेल में अब कितने बचे, अब बचे 2 लोग, दो कौन, तू और मैं, और देख हम दोनों में से तू भी कितना फालतू आदमी, कोई फोन करके बोल रहा है और तू लगातार बात करते जा रहे, यानी एक सिर्फ मैं हूँ जो काम कर रहा हूँ पूरे देश में, इतना पॉपुलेशन, ओनली आई एम वर्किंग, बस कट, गलत नहीं बोलना है तेरी कुछ नहीं। हेलो हेलो, हाँ जी कौन, अंकिल जी नमस्ते, नमस्ते कौन जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ, हेलो हेलो, हाँ जी मैं कह रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं ना, हाँ जी बोल रहा हूँ, आपका वो दोस्त है ना राहुल अग्रवाल, आपकी बिल्डिंग में ही रहता है वो, जिसके बारे में आपने परसों फोटो डाला था आपने फेसबुक पे, हाँ जी डाला था, हाँ उसके पापा है ना, उनका एक दुकान है इलेक्ट्रिकल्स का कड़कर डूमा में, फिर वो काम क्या है उससे, वो तुम मैं कह रहा था देखो उनका इलेक्ट्रिकल्स का शॉप है ना, हाँ है, जीवन अंकल है ना, जीवन नाम है उनका, जीवन नाम है, लेकिन बात तो बता काम, मैं नहीं मेरी बात नहीं, मेरी बात सुनिए, हमने ना एक बोट खरीदी है, ओके बोट यानी नाव, हाँ हाँ पता है नाव, आगे बोल, तो क्या है ना हमने नाव इसलिए खरीदी है क्योंकि दिल्ली में क्या होता है ना, जब पानी बरसता है तो सड़कें भर जाती हैं, ठीक है, सड़कें भर जाती हैं तो चलना मुहाल हो जाता है, और आदमी चलने के बजाय अगर नाव रहे ना तो उसके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहता है, हाँ ठीक है, फिर आगे बोला गया, लेकिन बरसात तो हो नहीं रही है दिल्ली में, अरे बरसात एक तो... मेरी बात सुनिए, बारिश से होता है पानी, पानी को कहते हैं जल, है ना, जल ही जीवन है, इसलिए मैं कह रहा था जीवन अंकल अगर सड़क पे आके थोड़े से लेट जाएंगे ना तो नाव हम उन्हीं के ऊपर चला लेंगे, अरे तू खराब कर रहा है मेरा, गलत बोल रहे हैं, नाव का क्या करेंगे बताओ, नाव को ऐसे थोड़ी, हेलो अंकिल मैं बहुआ बोल रही हूँ, एक सेकंड रुकिए आप, डॉक्टर साहब, हाँ
बोलिए, आप मुझे एक बेड दे दीजिए। हाँ? ग्लूकोज चढ़ाने, एक सेकंड, ग्लूकोज चढ़ाइए, ऑपरेशन की डेट दीजिए। पर आपको कागज में लिखना पड़ेगा कि दिक्कत क्या है। दिक्कत क्या है? हाँ? हेलो, ऐसे कैसे हम आपको एडमिट कर? हाँ जी, हेलो, हाँ, मैं कह तो फोन मिला है तो बात करोगी? डॉक्टर से बात कर रही हूँ ना मैं, अर्जेंट इमरजेंसी। पर दिक्कत क्या है? दिक्कत, मेरा शरीर का एक अंग कटने वाला है। कटने वाला है साले, फ्यूचर टेंस। अगर कल को इन्फेक्शन हो गया तो शरीर का एक अंग काटना पड़ सकता है। अबे तो होएगा ना, अभी हुआ थोड़ी ना अबे। लेकिन ये पूछो ना, इन्फेक्शन कैसे होगा? हाँ, कैसे होगा इन्फेक्शन? अगर कोई काट रहा है आपको, हाँ, काटने के बाद अगर आपने उस पर दवा नहीं लगाया तो पक जाता है। क्या काटेगा? क्या काटेगा? कौआ काटेगा मुझे। कौआ क्यों काटेगा? कौआ क्यों काटेगा? झूठ बोलेंगे तो कौआ नहीं काटेगा। अरे बड़े मूर्ख आदमी हो तुम। क्यों लेकिन? क्या है बे? क्या है बे का? ए डॉक्टर, एक्टिंग कर, हंस मत। हेलो। हाँ, हेलो, क्या हो, क्या रहा है? मैं कह रहा हूँ कौआ काटने वाला है क्योंकि मैं झूठ बोलने वाला हूँ, और उसके बाद इन्फेक्शन देन ऑपरेशन, इसलिए मैं बेड और अपॉइंटमेंट। डॉक्टर साहब, कौआ नहीं काटेगा, मैं आऊंगा इस बार तेरी काट। मैं क्या बात करेंगे किससे? डॉक्टर से, फर्जी डॉक्टर, फर्जी डॉक्टर। हेलो। नहीं देखिए, आपको क्या इंजेक्शन चाहिए? बोलिए, तुम्हारी में लगेंगे इंजेक्शन, मैं लगाने आऊंगा। हेलो, दिस इज वेरी बैड। नहीं नहीं साले, मैं काटने आऊंगा। रख फोन, ये तो आती। हेलो, रख। ए डॉक्टर, रख दिया क्या? हेलो, आर यू देयर? देयर की देर की क्यों है, गंदी बात कर दी। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ जी, ये कह रहा था, गर्म बहुत हो रहा है भाई साहब। गर्म बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है ना। बिजली भी चली जाती है, लोग गर्मी भगाना चाहते हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। पर मेरे को बैठे बैठे ख्याल सॉरी, क्या कर रहा है यार, खा कर रहा है? सॉरी नहीं, नुक्ते के चक्कर में थूक निकाल। क्या गंदगी फैला रखी तुमने? सॉरी, मेरे ख्याल आया कि अगर गर्मी भगानी है तो आपको चुगली करनी पड़ेगी। पूछो कैसे? अब गर्मी से चुगली का क्या लेना देना? मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। देखो, गर्मी जो है उससे आप बात करिए, गर्मी से बात करिए, सुनिए। हाँ, और उसको क्या आएगा? सुनो, हाँ क्या नहीं सुनो तो, अभी जब बताऊंगा सोल्यूशन तब पता चलेगा। पी के बोलो, वही बोतल खुद के सर पे मार लोगे तड़ाक से। सुनो बता। तो गर्मी से आप बात करिए और गर्मी से कहिए कि दुनिया में अगर कोई चीज है तो वो है प्यार। अच्छा, फिर गटिंग कराइए किसी बॉयफ्रेंड से। गर्मी की सेटिंग? गर्मी की सेटिंग, हाँ। तो गर्मी का जब बॉयफ्रेंड होगा तो वो लोग अकेले में एक दूसरे से मिलेंगे, कुची पू करेंगे। फिर चुगली कर दीजिए आप गर्मी के पापा को जाके कि आपकी जो बिटिया है गर्मी, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं, और फिर उसके पापा भड़क जाएंगे। अच्छा, फिर गर्मी हेल्प के लिए आप ही के पास आएगी क्योंकि प्यार के लिए आप ही ने उसको उकसाया है कि नहीं। फिर बोलेगी मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहूंगी। फिर आप गर्मी को कहोगे ठीक है, ये ले टिकट, ये ले तेरा सामान, ये अगर तूने गहने घर से चुराए तो वो रख, और अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जा। गर्मी भाग गई, बात खत्म। आपने उसके पप्पा को चुगली करी, गर्मी भाग गई, अब बताओ गर्मी भाग। रैपर छोड़िए, जो पी के आया तो बोले थे वो बोतल सर पे मारिए तड़ाक से भाई साहब। अरे बोतल तेरे सर पे मारूंगा मैं, सर पे नहीं तोड़ेंगे आप, तोड़ दूंगा मैं, जानता था यही बोलेंगे आप। अरे जी बोल रहे यार, 93.5 FM, ऐसे ही गर्मी भगाते रहो, बाकी लोग बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहे हो। हेलो। नमस्ते जी भाई साहब, अंकिल नमस्कार। हाँ नमस्कार, कौन बोल रहा है? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ जी भाई साहब। ओके बोलिए। ओके, अरे बोलो भाई। भाई, अरे तो फिर कौन बोल रहा है? सॉरी, मैं कह रहा हूँ ये जो T20 लीग चल रहा है इसमें चीयर लीडर्स क्यों होती हैं, कभी सोचा आपने? अरे मेरे को क्या लेना देना, मैं बता रहा हूँ, लेना देना नहीं है। क्या है कि उसका संगीत जो है पे 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 पे, ये बड़ा फेमस है। जब ये मैच के बीच में पे 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 ऐसा बजता है तो लोगों को थिरकने का मन करता है भाई साहब। ठीक है, नाचने का मन करता है कि नहीं? हाँ करता है। घूमने का मन करता है, शानदार हो जाने का मन करता है,
शानदार क्या शानदार होने का मन कर सॉरी। तो अब अंपायर तो नाच नहीं सकता इस म्यूजिक पे ग्राउंड, प्लेयर तो खेल रहे होते हैं, ऑडियंस इतनी होती है कि किसी को नाचते हुए दिखाओ तो किस किस को दिखाओगे। इसलिए गहन अध्ययन के बाद ये डिसाइड किया गया कि एयर होस्टेस को बुलाया जाएगा। एयर होस्टेस को? हाँ, एयर होस्टेस जब आप बोलो तो क्या बोलती है, आगे दो दरवाजे दाएं, दो पीछे दो बाएं, तो उनका हाथ ऐसे जाते हैं ना, पीटी करते हैं जैसे, तो ऐसे इनका भी पॉम पॉम रहता है, ये भी आगे दाएं पीछे बाएं। अरे के तेरे को मैं ही मिला गया के लिए। टे 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 टे। फोन रख आप। हेलो 93.5 एफएम बहुआ बोले अंकिल नमस्ते बजाते रहो। हेलो 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 कौन बोल रहा है? अबे हूँ से आगे भी कुछ बोलेगा। हेलो अच्छा तो हूँ करके ही बात करेगा तू? नाम क्या है तेरा? अच्छा लड़का है लड़की? लड़का है? अच्छा और लड़की हो तो अच्छा जी चलो। और बंदी बंदी है कोई? अच्छा ये तो बड़ी मतलब बहुत अच्छे से बोला है तो ना। क्या नाम है उसका? अच्छा नाम है उसका? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं बड़ा किस्म का इंसान है तू? बढ़िया सी आ रही है तारीफ सुन के। चल अबे चल एक काम कर, एक गाना सुना दे चल। हाँ हाँ ऐसी गाना सुना दे, जो तो ऐसी बोलता तो ऐसी सुना दे फिर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितना बड़ा है? अच्छा जी बहुत बड़ा है। तो गाड़ी क्यों लेता तू? वे खुश हो गया तू तो है? अब मैं कुछ बोलूं ऐसी तेरे तेरे ही उसमें लैंग्वेज में? मैं क्या क्या बोला आपने? अच्छा जी अब तेरी आवाज निकल गई। जी सॉरी। पहले तो एक नाम बता, सर बता रहा हूँ। मैं बहुआ बोल रही हूँ अंकिल नमस्ते। तेरी की साले डंडे वाली बात याद नहीं है तेरे को? डंडे वाली बात याद है, लेकिन आपने हूँ मैं क्या बोला था अभी? क्यों तू समझा नहीं? नहीं एक बार वापस प्लीज। अबे चल एक बार प्लीज एक बार बार। चल फोन रख, फोन मत कर दियो। गलत आदमी गलत आदमी। तू बड़ा सही आदमी है, हैं कर हेलो हेलो जी अंकिल नमस्ते। कौन? मैं। कौन मैं? वो तो आपको बताऊंगा आप कौन। अरे तू कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ नमस्ते। हेलो भाई साहब मैं बता रहा हूँ, देखो ऐसा है मार्केट में ब्लू व्हेल गेम बड़ा खतरनाक हुआ है। अच्छा घंटा अच्छा है? अच्छा होता तो बैन नहीं। आवाज से लग नहीं रहा मेरी गेम के बारे में। मैं गांव कट मैं बता रहा हूँ आपको, ब्लू व्हेल जानलेवा गेम है बच्चों को। मेरे आग नहीं लग रही है, मैं चाह रहा था इस गेम को हम लोग हमेशा हमेशा के लिए नेस्त ताबूत कर दें। अरे नेस्त नाबूत? हाँ तो वही है, वही करेंगे जो तू बोल रहा है। लेकिन उसके लिए बात ये भी है ना प्रॉब्लम कि मोबाइल में सबके गेम है, बच्चे को पकड़ा देते हैं, बच्चा उसमें गेम डाउनलोड करता है, बाद में जान के लिए हानिकारक हो जाता है वो। अब लोगों से अगर बोलो कि आप डिलीट करो तो करते नहीं है, और लोगों से कहो अपना मोबाइल दे दो मैं डिलीट करूं तो कहते हैं राइट टू प्राइवेसी आ गया है, दे आर टॉकिंग अबाउट द फुल फ्लेज्ड टर्म्स ऑफ राइट टू प्राइवेसी विच डू नॉट अंडरस्टैंड बाय दैट यू और मी। अब बस मुझे इतना बता मुझे क्या करना है। मैं ये कह रहा हूँ आप सपोज अगर आपको किसी का मोबाइल चाहिए तो वो तो देगा नहीं आपको डिलीट करने के लिए ब्लू व्हेल गेम, राइट? तो आपको उसका मोबाइल चुराना पड़ेगा, और चुरा के उसको मैं मोबाइल चुराऊं? नहीं मेरे मैं बात सुनो आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप तो चुराओगे नहीं और ना मैं चुराऊंगा, आवाज से दोनों तो लगती नहीं चोर। इसलिए मैं आपसे कह रहा था अगर आप पालिका बाजार जा सकें तो ब्लू व्हेल सुनो मेरी बात सुनो अगर पालिका बाजार जा सकें तो हम लोग इस ब्लू व्हेल गेम को खत्म कर सकते हैं। पूछो कैसे?
कैसे? आप और मैं तो चोरी करेंगे नहीं, पालिका बाजार जाइए, वहाँ से अली बाबा 40 चोर का सीडी लीजिए, उनमें से हम चोरों को बुलाएंगे, हायर करेंगे, उनसे बोलेंगे लोगों का मोबाइल चुराए, उसमें से ब्लू व्हेल गेम डिलीट कराए, लोगों की जान बचाए, बताओ कैसी रही? बच्चे का गंदा डायपर होता है ना, उसका गला घोटूंगा तेरा। गलत बोल रहे आप, हमें इस गेम को नेस्ते ताबूत करना है। नेस्ते ताबूत नहीं, नेस्ते नाबूत वही करेंगे जो तू कह रहा है। पर के गलत आदमी, गलत आदमी, गंदा बोल के फोन कट गया। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने में बजाते रहो, ब्लू व्हेल गेम को नेस्ते ताबूत करना है। ओके बाय। हेलो हेलो, हाँ कौन बोल रहे भैया? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है भाई? मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी। किससे बात करनी है यार? आपसे करनी है, 2 मिनट चाहिए, कई सवाल थे जो बॉदर कर रहे थे बहुत लोगों को। भाई मैं माल बात कर रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, माल बात करूंगा। भाई साहब 1 मिनट लगेगा, भाई साहब ज्यादा समय नहीं लूंगा। बोलो बोलो भाई साहब, क्या है ना, मैं क्या, मेरा एक दोस्त है भाग के शादी करना चाह रहा है। तो मैं क्या करूँ यार, कर लेगा? नहीं तो मैं क्या करूँ, वो ये जानना चाह रहा है कितनी स्पीड से भागना है। नहीं मतलब जो मतलब क्या, अगर वो ना भागे उसके बदले कोई और भाग ले तो क्या उसकी शादी संपूर्ण मानी जाएगी कि नहीं? तो मेरे को क्या, तू फिर अगर भागना क्यों है, वो गाड़ी में बैठे, गाड़ी अपने आप भागेगी, है कि नहीं? अरे भाई तूने सुबह सुबह या फिर देखो, अगर स्पीड आपको नहीं पता है, पर कुछ लोग कहते हैं भाग के शादी करना पाप है, क्या आपको लगता है? मुझे क्या पता भाई, अगर शादी भाग के शादी करना पाप है तो पाप का तो घड़ा भी होता है। हाँ होता है पाप का घड़ा, बता। पाप को घड़े में ही क्यों रखते हैं? क्या फ्रिज में बोतल में भर के नहीं रख सकते, पन्नी में नहीं रख सकते, कबर्ड में नहीं रख सकते, सेल्स में, घड़े में ही पाप क्यों रह रहा है? क्या बुद्धि खराब है? सॉरी सवाल है ये, पाप का लिक्विड फॉर्म में होता है जो उसको घड़े में रखना है, पता नहीं यार। और सब मेरे दोस्त ने बोला मैं भाग के शादी करने के बाद रिसेप्शन दूंगा जिसमें गवार की फली खिलाऊंगा। अब गवार की जो फली है वो 100 रुपए की मिलती है भाई साहब, सुनिए। हाँ बोल। अगर गवार की फली 100 रुपए की है तो पढ़ी लिखी तो 1000 रुपए की तो होगी कम से कम। बे यार कैसे गवार पढ़ी लिखी मिलेगी तू? भाई साहब नहीं, और अगर गवार की फली वो लोग खिला भी देंगे तो लेकिन पानी नहीं पिला पाएंगे अपने शादी के रिसेप्शन में, क्यों पूछिए? क्योंकि भाग के शादी की है, कुछ लोग के हिसाब से भाग के शादी करना पाप है और पाप का घड़ा होता है, तो जब घड़े में पाप है तो पानी कहाँ से होगा भाई साहब? ठीक है, तो यानी पाप जो है वो घड़े में भरता है, लेकिन भरता तो बैंगन का भी होता है। अब बताइए बैंगन का क्या करें? यही बेड़ को यही खड़ा, तो इस तरीके से जो है प्रजातियां बढ़ती जा रही। आपको आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल क्लियर आ रही है भाई साहब। हेलो, हाँ अंकित जी नमस्कार। नमस्कार, कौन जी? मैं जी बउआ जी, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवयुवक कहाँ जुड़ रहे हैं? जुड़ रहे हैं, तार तो जुड़ चुके हैं। एक बड़ी अच्छी सी चर्चा होती है पूरे हफ्ते, हम लोग इस चर्चा का इंतजार करते हैं जहाँ पर एक एक्सपर्ट बैरागी जी और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि। राज की चर्चा वैसे ही प्रदोष व्रत के बाद पड़ी है तो इसका अलग अलौकिक सुख है भाई साहब। अरे भाई मुझे क्यों घसीट रहे हो? 1 मिनट लगेगा भैया, रैंसम वेयर जैसा इतना बड़ा साइबर अटैक हुआ है, 150 देशों की चपेट में। आपको पता है इस बारे में? समाज को आईना दिखाइए। सुना है सुना है ना रैंसम वेयर क्या है, इसी बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे बैरागी, तुरंत शूट करिए। देखिए सबसे पहले इस वायरस का एक व्यक्ति जिसका नाम मैं क्या ये बताऊं, हैंडसम फेयर लगा करके वो गया एक सिस्टम में, सीपीयू में बैठ गया। अच्छा, और भाई हैंडसम फेयर लगा करके सीपीयू में बैठ गया और वहां पर सीपीयू में लगे एग्जॉस्ट फैन के पंखे से उसकी मौत हो गई। अरे बाप रे, तब से पूरी प्रजाति जो एक प्रजाति की सबसे खासियत है कौवे से जुड़ी हुई प्रजाति है। हाँ यही बात कर रहा हूँ। एक सेकेंड, रैंसम वेयर कौवे से कैसे जुड़ी है? क्योंकि कौवा हमेशा क्या कहता है आप बताइए? कहाँ है मतलब वेयर आर यू, कहाँ है? तो ऐसे ही इस वायरस के बारे में कोई बता नहीं पा रहा है कि कहाँ है, क्योंकि रैंसम वेयर देखिए गलत बोल रहे हैं आप बहुत गलत बोल रहे हैं भाई साहब, नहीं सुना जाएगा क्योंकि वाली बातें कर रहे हैं। कौन बात, रैंसम वेयर का एक भाई है फुटवेयर जो सर पे पड़ जाता है, घूमता हुआ आता है स्लोमो में। भाई बैरागी जी इनका नाम क्या है? बगुला ठाकुर हमारे। आप बगुला ठाकुर हैं?
देखा काटने तो फोन काट दे खत्म कर बात तू काट दे तू करके बात मत कर। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी बंजालिया के बेढंगपुर के वाओ एक इलाके में निचड़ो हुए नींबू चेहरे पे मलकर निखार लाने वाली बेगम अजवाइन अलवी कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। अजवाइन अलवी पर एफसी रॉकिंग नहीं होता। हेलो 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 कौन बोल रहे हैं? भूतनाथ। भूतनाथ भाई किससे बात कर रहे हैं, किसको मिला है, कौन रहा है? मैं बादशाह। बादशाह मतलब मैं बउआ बोल रहा हूँ लेकिन बादशाह। हेलो कौन है भाई? माय नेम इज खान, खान फ्रॉम द एपिक लोटस। अच्छा अभी तो बादशाह अब खान हो गया। तो काम क्या है तुझे? राम जाने राम जाने। साफ साफ बोल के कौन बोल रहा है? गंदा मत बोलिए, मैं दीवाना। दीवाना अब नंबर कहाँ से मिला मेरा ये बता पहले तू। लक बाई चांस। चाहता क्या है और तू उठते है? मोहब्बतें करवाऊँ अभी मोहब्बतें। कुछ कुछ होता है भाई तुम नहीं समझो। क्या होता है कुछ कुछ? नहीं मतलब जो आज होता है कुछ कुछ, क्या पता कल होना हो। तो भाई कल है या नहीं है मेरे से क्या चाहिए? साफ साफ बोल। गलत बोल रहे हैं आप, मेरे को आपसे चाहिए कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी गम की सुबह सुबह क्यों काट रहा है मेरा? कभी खुशी कभी गम और लक बाय चांस और मोहब्बत है सब इतना गाली काम ऐसे कर रहा है गाली खाने वाले सुबह सुबह तेरे को इतनी गंदी बात है क्या? नहीं यार अब तो राजू बन गया जेंटलमैन। अबे देख अगर तू फ्रस्ट्रेट होगा तेरे को गुस्सा आएगा तू टेंशन लेगा तो तू दारू पिएगा और दारू पिएगा तो तू बनेगा देवदास। तब ये देवदास की औलाद सुनते बुरी बुरी बोतल दूंगा तेरी। अब दोबारा इस नंबर पे फोन मत कर। भाई साहब सुनिए, सर्दी सर्दी आ गई है कि नहीं? आ गई और क्या, तेरे को नहीं पता? अब सर्दी आ गई तो आप लोगों के घर बंद हो गया होगा क्या? फैन फैन। ओ वाओ फैन। इंडिया ने मैच भी जीत लिया। जैसे इंडिया ने मैच जीता हमने पता है क्या बोला? क्या बोला भाई अभी बता रहे हम? चक दे इंडिया वाओ। अब आप गलत